back to my YouTube channel. So in the previous lectures, I have discussed sample question paper of MSBT of subject pharmaceutical chemistry. So if you haven't seen, please do watch for question number 1 and question number 2. So let's start with question number 3. So here is the question. Solve the following multiple questions, that is MCQs hai yahan par. First question is limit test involves simple comparison of. Jab aap limit test karte to usme aap kaisa comparison karte. First option is opalescent, next is turbidity, next is color, and the last option is all of the above. So answer jo hai all of the above hai. Answer is D. Next question is name the indicator used in the assay of ferrous sulfate. Ferrous sulfate mein hum kaun sa indicator use karte? Iska answer hai, option ye hai starch, potassium, permanganate, methyl orange or methyl red hai. But the correct answer is B, that is potassium permanganate. Question number 3 is the solution of known concentration. जो known concentration है उसको क्या बोलते हैं या फिर क्या है वो, that is the answer is standard solution. It is called as a standard solution, जो ब्यूरेट में रहता, that is standard solution and that is known concentration. Remember known concentration रहेगा ऊपर जो कि है tight ब्यूरेट में जो रहता और नीचे जो है उसमें अननोन रहेगा, कोनिकल फ्लास्क में जो है वो अननोन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट प्रोडक्ट हैविंग एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी. अब ये प्लांट प्रोडक्ट जो है ये क्लासिफिकेशन है एंटी कैंसर का. इसका आंसर जो है, इसका आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. उसमें विन क्रिस्टीन भी रहेगा और विन ब्लास्टिन भी रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है. तो यहाँ पर क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ, रिमेंबर इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द सफिक्स यूज फॉर अल्डिहाइड ग्रुप. अल्डिहाइड ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज अल, दैट इज बी. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेम द ग्रुप ऑफ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच इज. अब इसका ग्रुप बोलना है आपको. एज यू कैन सी यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन हैं, तो इसका आंसर रहेगा इथिनिल. टू कार्बन है इसलिए उसका आंसर है इथिनिल, रिमेंबर. नेक्स्ट इज वाइल नंबरिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस इन नंबरिंग द हेट्रो एटम इज एज फॉलो. इसमें आपने पढ़े होंगे ये जो ये क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप नंबरिंग कहाँ से देते हो, उसमें कार्बन भी रहता है, उसमें अगर नाइट्रोजन है तो आपको कैसा नंबरिंग, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आपको नंबरिंग उसमें कैसा देना है. इट इज़ प्रेफर्ड, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रेफरेंस. सो लेट्स सी द आंसर. सो यू कैन सी हियर द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन, सल्फर और फिर नाइट्रोजन. द ऑप्शन इज सी. सबसे पहले जो आना चाहिए दैट इज ऑक्सा, दैट इज ऑक्सीजन, उसके बाद है थाया, दैट इज सल्फर, एंड द थर्ड इज अजा. सो दिस इज द प्रेफरेंस. आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ऑक्सीजन को ही देना है हमेशा. क्वेश्चन नंबर 9. फेनिटोइन कंटेन्स द फॉलोइंग हेट्रोसाइकल.
अब फेनिटोइन का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा हेटरो एटम है या फिर हेटरो साइकिल है, यू शुड रिमेम्बर। अब फेनिटोइन के अंदर जो हेटरो साइकिल है उसके अंदर रहेगा एन ग्रुप, दैट इज अजा ग्रुप है। उसका आंसर है फर्स्ट, दैट इज इमिडाज़ोल। अगर आपने फेनिटोइन का स्ट्रक्चर देखे उसके अंदर एक रिंग रहेगा दैट इज ऑफ इमिडाज़ोल, उसको हम हेट्रोसाइकल बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन एटम के साथ कोई और एटम अटैच है दैट इज नाइट्रोजन, और वो रिंग का है नाम इमिडाज़ोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स। यू हैव टू गिव द यू शुड रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, और एल्स यू शुड नो द ड्रग्स व्हाट आर सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स और उसके क्लासिफिकेशंस। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद रहेंगे देन ओनली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, दैट इज मीथिल प्राइलोन एंड पैरा अल्डिहाइड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। नेक्स्ट दिस इज अ केस सॉरी दिस इज अ क्लास ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन CNS। अब CNS पे एक्ट करने के लिए कौन से ड्रग्स है या फिर कौन से क्लास है, दैट इज पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स है या फिर सिम्पेथोलाइटिक है या फिर है पैरा सिम्पेथोमाइमेटिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज दिस इज अ क्लास ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन CNS इज सिम्पेथोमाइमेटिक्स। सिम्पेथोमाइमेटिक्स दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग सिम्पेथोमाइमेटिक इज पावरफुल ब्रोंकियोलाइटर ब्रोंकियोडायलाइटर। सो इसमें ब्रोंकोडायलेटर कौन सा है विच इज़ अ पैरासिम्पेथोमाइमेटिक। सो द आंसर इज साल ब्यूटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डायूरेटिक इज डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रेनिलिक एसिड। ये एक एंथ्रेनिलिक एसिड से डिराइव हुआ हुआ है। करेक्ट आंसर इज फ्यूरिसिमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज ड्रग्स आर यूजफुल इन इनरेगुलर हार्ट बीट। जब इनरेगुलर हार्ट बीट होती तो हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, दैट इज आंसर इज सी एंटी अरिथमिया या फिर एंटी अरिथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 दीज ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इसमें से कौन सा ड्रग यूज कर रहे हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज कार्डियोटॉनिक। करेक्ट आंसर इज कार्डियोटॉनिक। क्वेश्चन नंबर 16 एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंग टू पायरिमिडिन डेरिवेटिव इज। ये आपको आंसर क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। सो द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज पायरीमीथामाइन। करेक्ट आंसर इज पायरीमीथामाइन। नेक्स्ट इज Select the drug from the following which act as an alkylating agent. This you will be getting the answer from anti-cancer drug. इसका जो correct answer है that is cyclophosphamide. Next is these are the beta-lactam antibiotic. ये आपको answer मिलेगा antibiotics में, उसमें आप classifications में देखो beta-lactam and the correct answer is penicillin. Next question we have sulfamethoxazole causes inhibition of the enzyme. Sulfamethoxazole
कॉज करता, कॉजेज इनहिबिशन ऑफ विच एंजाइम, या फिर कौन सा वहाँ पे सिंथेसिस हो रहा. सो द ऑप्शन इज फॉलिक एसिड सिंथेसिस, डाईहाइड्रोफॉलिएट रिडक्टेस, सी इज फॉलिक एसिड डीहाइड्रोजनेज, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज डाईहाइड्रो पेट्रोएट सिंथेसिस. इसमें वो आंसर नहीं है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. लास्ट क्वेश्चन इज मैनी ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक पजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ सी एंड सॉरी बी एंड सी, दैट इज एंटी पायरेटिक भी है ये और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है. सो दिस वॉज द एम सी क्यूज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट इज हियर. यहाँ पर जो है आपके जो ये जो एम सी क्यूज आए ऑफ 20 मार्क्स, एज यू कैन सी यहाँ पर जो है 20 मार्क्स के लिए ये एम सी क्यूज आए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एम सी क्यूज आपके 10 आ सकते हैं. और उसके अलावा यू विल बी गेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स योर यू विल बी गेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, आंसर इन वन सेंटेंस एक्सेट्रा, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी देर. सो डोंट बी डिपेंडेड ऑन ओनली एम सी क्यूज, 20 मार्क के एम सी क्यूज नहीं आएंगे, उसमें आपके इंक्लूडेड रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वर्ड वर्ड और एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. माइट बी दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल.